दोस्तों ये है ऑल इन वन मशीन। आपको इसके अंदर ज्वार का रोटी निकालना है, बाजरे का रोटी निकालना है, चावल का रोटी निकालना है, गेहूं का रोटी निकालना है, सब कुछ ये मशीन से बहुत ही इजी निकल जाएगा। हमने अभी सभी आटा गूंथ के रख दिया, अभी आपको सब रोटी मशीन के अंदर निकाल के दिखाएंगे। आपको इसके अंदर 2 इंच से लेके 5 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच कोई भी इंच का रोटी निकालना है आप आसानी से निकाल सकते हो। इस तरह गुथा हुआ जो आटा है, ये चावल का आटा हमने लिया है, ये आप देख सकते हो बाजरे का आटा हमने लिया है, ये आप देख सकते हो ज्वार का आटा लिया है। इस तरह से आटा गूंथ के आप मशीन के अंदर रख देने का ऑटोमेटिक रोटी बन जाएगी। सिंगल फेस का ऑटोमेटिक मशीन है, इसके अंदर हेवी ड्यूटी रोलर दिए हुए आप देख सकते हो, एकदम ओरिजिनल रोलर जैक्सन मशीन में फिट किया हुआ है। और इसका थिकनेस आपको जो चाहिए वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। अगर पतला करना है तो ऐसे कर सकते हैं, मोटा करना है तो ऐसे कर सकते हैं, छोटा बड़ा सब होगा। अभी हम आपको सबसे पहले बाजरे का रोटी निकाल के दिखाते हैं। देखिए ये बाजरे का आटा हमने गूंथा हुआ ऊपर डाल दिया और इसका फिनिशिंग देखिए दोस्तों। लोग बोल जाते हैं यहाँ से फट जाता है, लेकिन नहीं, ये जैक्सन का मशीन है, इसमें जो फिनिशिंग हाथ से भी बेहतर आने वाली है दोस्तों। तो आपका 10 कारीगर का काम एक ही मशीन कर देंगी, ताकि आपका कारीगर दूसरा भी काम उस टाइम के हिसाब से कर सके। आप देख सकते हो अभी 8 इंच का रोटी हमने निकाला है और इसका फिनिशिंग हाथ से भी काफ़ी अच्छा और एकदम बढ़िया फिनिशिंग आया हुआ है। आप देखिए मैं आपको एक रोटी हाथ में भी लिखा के दिखाता हूँ और देखिए इसका फिनिशिंग जैसे हाथ से बनाते वैसे ही आया हुआ। देखिए इसका टू गुड आया हुआ है। देखिए बाजरे का रोटी है और एकदम पतला रोटी है, पतला मोटा जैसा भी आपको करना है आप इसके अंदर सिस्टम दिया हुआ आप कर सकते हो। देखिए सारी की सारी रोटी एक जैसी आ रही है और एक ही बंदा चाहिए ये मशीन को चलाने के लिए, ज़्यादा बंदे की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बंदा रख सकते हो। और सिंगल फेस का मशीन है, इसमें अभी ये 1000 रोटी वाला है, आपको 500 रोटी वाला चाहिए या तो इससे बड़ा मशीन चाहिए 1000 रोटी वाला तो भी जैक्सन मशीन से मिल जाएगा। अभी हम आपको चावल का आटा निकाल के दिखाएंगे। देखो ये हमने चावल का आटा अभी डाल दिया, आप देख सकते हो वैसा ही फिनिशिंग जैसा पहले में आ रहा था वैसा ही चावल का मशीन में आ रहा है। आप देखिए चावल का फिनिशिंग एकदम हाथ जैसे हाथ से बनाते, तो इसमें चावल का रोटी भी बना सकते हो, चावल का भाखरे भी बना सकते हो और चावल का पापड़ भी ये मशीन से बना सकते हो दोस्तों। तो सारी चीज़ें ये मशीन से आप आसानी से बना सकते हो और एकदम साइलेंट मशीन है, आप देख सकते हो मशीन का बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, तो आप घर में भी आप आराम से इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और साइड का कटिंग भी ऑटोमेटिक जाएगा, तो एक ही बंदा ऐसे रोटी उठा सकते हैं। देखिए इसका फिनिशिंग देखिए दोस्तों आप कितना बढ़िया आ चुका है, देखिए इसका फिनिशिंग टू गुड, जैसे हाथ से बनाते हैं वैसे ही फिनिशिंग आ चुका है दोस्तों। अभी हम आपको ज्वार का रोटी निकाल के यही मशीन में दिखाएंगे दोस्तों, ज्वार का रोटी का फिनिशिंग कैसा आता है। देखो ये ज्वार का आटा हमने ले लिया, यहाँ से डाल देंगे और जैसे ये 2 रोटी में आया था वैसा ही आप देख सकते हो, बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये रोटी हमारी तैयार है। देखिए दोस्तों एकदम फर्स्ट क्लास फिनिशिंग आ रहा है, कहीं भी आपको थोड़ा सा भी टूटा हुआ नहीं है। बाकी सब मशीनों में क्या होता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन ये जो फिनिशिंग है हाथ से भी बढ़िया फिनिशिंग आया हुआ दोस्तों। सारी की सारी रोटी एक जैसी आएगी, छोटी बड़ी नहीं आएगी। अगर हाथ से बनाते हैं दोस्तों तो कोई छोटी रोटी हो जाती है, कोई बड़ी रोटी हो जाती है, तो कस्टमर को भी ऐसा लगता है नहीं ये छोटी है बड़ी है, पर इसमें मशीन में सारी की सारी रोटी एक जैसी और एक जैसी क्वालिटी आएगी। देखिए ये ज्वार का रोटी है, देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग आया हुआ, देखिए दोस्तों एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये रोटी हमारी तैयार है। और सारी की सारी रोटी एक जैसी और एक ही साइज़ की निकल रही है, देखिए एकदम साइलेंट मशीन है, एक ही बंदा काम कर रहा है। तो दोस्तों ये सारी रोटी आपको बनाने के लिए और इसके अंदर गेहूं का भी रोटी आप बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। तो ज्वार का है, ये बाजरे का है, चावल का है, देखिए इसका फिनिशिंग देखिए, चावल का रोटी है, ज्वार का रोटी है। देखिए दोस्तों हमारे साथ आ चुके हैं पुणे से कस्टमर। सर रोटी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा या सिर्फ अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जैसे हाथ से बनाते वैसे ही है या कोई और डिफरेंट है? नहीं कोई डिफरेंट है, हाथ से बनाते वैसे ही। रोटी दिखा सकते हो अपने दर्शकों को कैसा बना हुआ है? ये बाजरे का रोटी है, मशीन से बना हुआ और हाथ से सेका है हमने, पापड़ा है इसका, ऐसा खुला फूलती हुई रोटी। सर बता रहे जैसे पापड़ आया, उसकी भाषा में उसकी लैंग्वेज में बता रहे कैसा पापड़ा है। दोस्तों ये सब रोटी और भी कुछ आए, आपको आटा गूंदने की मशीन चाहिए और भी सारी बहुत सारी मशीन हम बनाते हैं दोस्तों। और भी मशीन की जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ 9909917518 नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैक्सन मशीन अहमदाबाद नवनी देसाई। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।